अगर किसी के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है तो बेस्ट करियर ऑप्शन किस तरीके से सेलेक्ट करें किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है उनके पास पाँच से दस ऑप्शन है करियर सेलेक्ट करने के वो कौन सा पकड़े देखिए सिंपल सी बात मेरा मानना है अगर आपकी उम्र कम है जैसे इन्होंने बताया है, इनकी अभी ट्वेल्थ पास ही कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास बहुत टाइम है तो ट्राई करो आप सबके ऊपर एक्सप्लोर करने को अपने आप को दो दो तीन तीन महीने दो हर चीज़ के ऊपर अगर पांच करियर की बात कर रहे हो तो पांच करियर में आपका एक साल खराब हो जाएगा पर आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है जिसमें आप सोटेबल हो एक और मैट्रिक्स बताता हूं जिसको मैंने एम वाली सीरीज के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है एक मॉडल होता है आई ई मैट्रिक्स ठीक है एक टेबल बनानी है और उसमें अंदर बताना है आपको आई इंपैक्ट कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर आप उस करियर को चुनते हो तो ठीक है आई ई कितना इजी है आपको वो चीज़ करना अगर आप कोई करियर चुनते हो तो आपके लिए वो कितना इजी है कि अगर आप उसको चुनते हो तो ठीक है सी कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर कि भाई मैं ये चीज कर पाऊंगा इंपैक्ट और कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज नहीं होना है इम्फैक्ट यह है कि उस करियर पे अगर आप घुसते हो तो वो करियर कितना पोटेंशियली अच्छा है कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है ठीक है तो आप एक टेबल बनानी है और जितने भी करियर ऑप्शन उसको एक साइड पर लिखना है और तीनों के ऊपर उसको रेट करना है जिसके हाइएस्ट पॉइंट आएंगे वो करियर आपको चुन लेना चाहिए एटलीस्ट जिसके टॉप थ्री आए उन तीनों को एक्सप्लोर करो उनको समझने की कोशिश करो आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी जिसमें आपको ज़्यादा मजा आए हो सकता है मैंने जो एक्सप्लोर वाली बात कर रहा हूं ना एक्सप्लोर करोगे ना तो हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस के अंदर ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हैं इंपैक्ट तो अच्छा होगा पर अब जब उस चीज़ के अंदर घुसोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है मैं कर सकता हूं और कई मैं शायद हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस घटे यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है